तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जगह की इम्पोर्टेंस, इस जगह का पोटेंशियल कितना ज्यादा है, यहाँ पर व्यूअर्स डिफरेंट डेवलपर की तरफ से डील भी दी गई हैं, जो कि रेजिडेंशियल ऑप्शंस आ जाती हैं, अपार्टमेंट्स की आ जाती हैं, कमर्शियल शॉप्स की भी आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के यूट्यूब चैनल से मैं उसामा से उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जिस लोकेशन पे मौजूद हैं, फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहरिया टाउन का सेक्टर F है, और साथ ही साथ इस ब्लॉक के अंदर आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि जिस मैं लोकेशन पे मौजूद हूँ यहाँ पर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा हाई है, और अगर आप उसको आज की डेट के अंदर परचेज करते हैं तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर ही आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उसका रिटर्न भी देखने को मिलेगा। मेरी बैक साइड में व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये बहरिया टाउन के सेक्टर F का मेन बुलेवार्ड है, जो कि 150 फीट का मेन बुलेवार्ड है, और टीपू सुल्तान ब्लॉक की लोकेशन बनती है मेरी बैक साइड के ऊपर। और यहाँ पर रिसेंटली बहरिया टाउन की तरफ से सबसे बड़े कमर्शियल जो है वो भी लॉन्च किए गए, और इसी लोकेशन के पास ही आपको 5 मंजिला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की भी डील दी गई। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जगह की इम्पोर्टेंस, इस जगह का पोटेंशियल कितना ज्यादा है, आपने यहाँ से इस बात से अंदाजा लगा लिया होगा कि बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही इसकी लोकेशन बन रही है, जहाँ पर डेवलपमेंट का काम आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पे बड़े जोरों शोर से जारी है। नाज़रीन, आपने देख लिया होगा कि माशाल्लाह से यहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी जो है बड़े जोरों शोर से जारी है, और आने वाले वक्त के अंदर बहरिया टाउन की अगर हम बात करें, बहरिया टाउन जब भी आपको डेवलपमेंट करके कोई भी प्रॉपर्टी दे रहे होते हैं, आपको हैंडओवर कर रहे होते हैं, तो इसमें किसी भी किस्म की कोई शक वाली बात ही नहीं है कि उनकी डेवलपमेंट जो है ना वो इस क्वालिटी की ना हो, जिस वजह से उस प्रॉपर्टी के अंदर भी जो है वो चार चांद ना लगे। तो व्यूअर्स, बिल्कुल आपने भी यहाँ पर अगर जो भी बहरिया टाउन के कस्टमर्स हैं उनको इस बात का अंदाजा भी होगा कि बहरिया टाउन के अंदर उन्होंने जो भी प्रॉपर्टीज अंडर डेवलपमेंट वाली स्टेज के अंदर परचेज की थी, उसके बाद जब वो डेवलप होके उनको हैंडओवर हो चुकी होगी, तो उनकी प्रॉपर्टी के अंदर ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई होगी। एक अंडर डेवलपमेंट वाली व्यूअर्स वो स्टेज होती है जिसमें आप सेमी डेवलपमेंट अगर हम कहें तो वो बिल्कुल बेहतरीन फिक्रा होगा कि सेमी डेवलपमेंट अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जहां पर डेवलपमेंट चल रही हो, तो वहां पर चांसेस सबसे ज्यादा ब्राइट होते हैं कि उस प्रॉपर्टी के अंदर मजीद आपको ग्रोथ नजर आए। व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से वो स्टेज है कि आपने अपनी आंखों देखा, खुद भी आप देख सकते हैं कि इसका हाल कि माशाल्लाह से यहाँ पर डेवलपमेंट जो है बड़ी जोरों शोर से चल रही है, और आने वाले वक्त के अंदर जैसे ही ये पूरी तौर पर डेवलप हो जाएगी और मैच्योर प्रॉपर्टी, जिसको हम बाद में कहेंगे कि मैच्योर प्रॉपर्टी के अंदर कम आपको ग्रोथ देखने को मिलती है बनिस्बत उसके जो अभी डेवलपमेंट वाली स्टेज के अंदर होती है, तो आप यहां पर 5 मंजिला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप घर भी बनाना चाह रहे हैं तो व्यूअर्स, वो भी बहुत ही माशाल्लाह से प्राइम लोकेशन बनती है कि मेन बुलेवार्ड के करीब ही, बिल्कुल जैसे ही आप एंटर होते हैं मेन बुलेवार्ड से, सेकंड मेन बुलेवार्ड जो कि इसके अंदर जो डील दी गई है 5 मंजिला प्लॉट्स की, वहां पर आप बहुत ही बेहतरीन लोकेशन की अपनी मर्जी के वहां पर प्लॉट परचेज कर सकते हैं। अगर हम इनकी प्राइसेस के बारे से बात करें तो आपको यहाँ पर 75 लाख से लेकर 78 लाख के अंदर आपको जनरल प्लॉट्स मिलते हैं। उसके बाद अगर आप कोई कैटेगरी प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं, मींस कि कोई कॉर्नर का मेन बुलेवार्ड फेसिंग, तो व्यूअर्स उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन कोई 80 से 85 लाख की कॉस्ट करती है। व्यूअर्स, आज से 3 माह पहले ये जो डील लॉन्च की गई थी, तकरीबन कोई इसकी जो प्राइस थी वो 70 लाख थी, और आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह से आज की डेट के अंदर इनकी प्राइस भी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और डिमांड भी आने वाले वक्त के अंदर आपको इसकी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी जैसे जैसे यहाँ पर मजीद डेवलपमेंट होती चली जाएगी। यहाँ पर व्यूअर्स डिफरेंट डेवलपर की तरफ से डील भी दी गई हैं, जो कि रेजिडेंशियल ऑप्शंस आ जाती हैं, अपार्टमेंट्स की आ जाती हैं, कमर्शियल शॉप्स की भी आ जाती हैं। तो सारे फ्रिज अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर ABS डेवलपर की तरफ से बहुत ही बेहतरीन, माशाल्लाह से पूरे लाहौर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग यहाँ पर बनने जा रही है, जो कि पर्ल वन कोर्ट यार्ड है, और वहाँ पर भी कस्टमर्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। जिस तरह की वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, पूरे लाहौर के अंदर ऐसी कोई भी आपको बिल्डिंग नहीं मिलती जहां पर वो अमेनिटीज आपको देने जा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूं तो उसमें आपको हेलीपैड जो कि उसके टॉप के ऊपर बना के दिया जाएगा, इसके अलावा आपको रूफटॉप गार्डन, जिमनेजियम,
बा सुहाना एक बड़ी जामिया मस्जिद जो कि तकरीबन कोई 900 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होगी। इसके अलावा आपको विद इन द बिल्डिंग ही आपको मॉल भी दिया जाएगा जो कि उस बिल्डिंग के अंदर जो कि ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर के ऊपर मुश्तमिल होगा। इस तरह की तमाम तर फैसिलिटीज माशाल्लाह से आपको एक ही बिल्डिंग के अंदर देखने को मिल रही होगी जो कि 28 फ्लोर के ऊपर मुश्तमिल है। वहां पर भी व्यूअर्स आप अगर आप अपार्टमेंट परचेज करना चाह रहे हैं जो कि लश लग्जरी होंगे, अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें इंस्टॉल होगा, वहां पर आप इंतहाई मुनासिब कीमत के अंदर अपार्टमेंट्स भी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। फर्दर व्यूअर्स मजीद अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग दी सेक्टर एफ जो भी न्यू डील्स दी गई हैं इन अपार्टमेंट्स रिलेटेड या जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनसे रिलेटेड, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।